Guys, good morning. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So, by the way, I think हम ये तीसरी बार फोन लेने हैं. अभी दो दिन पहले पापा के लिए फोन लेने आए थे. अभी वापस एक और फोन लेना है. वो हमारी किसी और फ्रेंड के लिए है. वही डीलक्स मोबाइल में आए हुए हैं हम लोग. अभी फोन कलेक्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से. मेरे को मेरे पापा को जाके सामान वगैरह देने का है बहुत सारा, और ये मोबाइल भी उन्हीं को देने का है क्योंकि उनके फ्रेंड के लिए है ये मोबाइल. बहुत पैसे आ गए, बहुत मोबाइल लेने आ गए. वो हर दूसरे दिन यहाँ पहुंच जाती है मोबाइल लेने के लिए आजकल. एक दिन इनके रिलेटिव के लिए, एक दिन मेरे पापा के लिए, आज मेरे पापा के फ्रेंड के लिए. बट बस हमने तो ऐसा लगा है डीलक्स वालों के साथ ऐसा डील कर लेना चाहिए कि भाई हम मोबाइल लेना है, मतलब हमारा भी कमीशन दे ही देने का. गाइस, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है. अभी तो अच्छा खासा मौसम था, धूप निकल रही थी, और अभी देखिए पूरा बह रहा है, बारिश आने लगी अचानक से, और बड़े बूंदों वाली बारिश है, सीधी मुंह पर मार रही है. तो हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मेरे पापा का. कपड़े पूरे गीले हो गए क्योंकि भावनगर में आई थी बढ़िया सी बारिश. और बस अभी पापा आएंगे, उनको मोबाइल देना है, फिर हम निकल जाएंगे. पीछे मस्त बादल हो रखे भाई. तुम्हें इंतजार कर रहे थे तो थक गए, फिर हम यहाँ इस पेड़ के नीचे आके बैठ गए. एक तरह का पिकनिक ही चल रहे, पर कपड़े पूरे के पूरे गीले, और अभी पापा पता नहीं कब आएंगे. हम आए हैं अन्नपूर्णा में खाना खाने के लिए, बिकॉज अब हमको लेट हो गया था, 2 बज गए थे ऑलरेडी. सो हमने सोचा चलो अन्नपूर्णा में खाना खा लेते हैं. सो ये है इनका आज का प्लेट, कितना बढ़िया लग रहा है. यहाँ पर रोटला भी मिलता है और जग भर के छाछ दे देते हैं आपको. जितना खाना है खाओ पियो, अनलिमिटेड है सब कुछ. और सिर्फ मात्र 80 रुपया में टॉप 3 सरकड़नी सामने. कहाँ पर है इन्हें? टॉप 3 सर्कल गाइड के सामने. क्या लगता है गाइस, कितनी बारिश आएगी? काले बादल देख रहे हो आप, भर भर के काले बादल हो रखे हैं. सो आज लगता है बहुत बारिश होने वाली है. और ये देखिए इसमें कितने प्यारे से पर्पल पर्पल फूल आए हैं. मस्त ग्रो हो रहा है अच्छा खासा. मिट्टी थोड़ी सूख गई है, अब पानी डालने की ज़रूरत है. अब इसको सही, आई थिंक सबको ज़रूरत है पानी की. आज शाम को डाल देंगे. गार्डन अच्छा ग्रो हो रहा है, थोड़ा चेक कर लेते हैं. वाह बढ़िया. ये तो आई गेस बारिश आई ना, तो इनको तो पानी मिल गया आज. अभी कैक्टस वैक्टस को पानी देना होगा थोड़ा बहुत, पर अभी ज़रूरत नहीं आई गेस इनको. ठीक है. और इनका भी आज रिपॉटिंग करने का है. हम गमले लाए हैं, इनको लगाएंगे इधर पे दोनों साइड. तभी नहा धो के बैठा हूँ. आज दोपहर से फुल ऑन बारिश चल रही है, तो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं. ठीक है, अभी मैं पी रहा हूँ मेरा क्या बोलते हैं इसको, बॉर्नविटा. और अभी बाल बाल धोए, मुंह बू धोया, अच्छे से नहाया हूँ एकदम बढ़िया सा. और बिग बॉस देख रहा हूँ और रिलैक्स कर रहा हूँ. और क्या कर सकते हैं, बाहर कहीं जा नहीं सकते. तो मेरी बीवी अकेली अकेली बेचारी कपड़े धो रही है वैसा. तो बस यही चल रहा है अभी तो लाइफ में. और क्या बना रही हो? मखाने. लो लोगों को दिखा दो मखाने कैसे होते हैं, और मैं बाद में उनके फायदे बता दूंगा. मखाने इतने टेस्टी होते हैं ना, और इतने हेल्दी होते हैं. थोड़े से महंगे होते हैं बट मजा आ जाता है. अभी हीना आपको दिखाएगी कि कैसे उसको मतलब पकाया जाता है. बहुत सिंपल है. लोग पॉपकॉर्न के बहुत शौकीन है, पर उनको जिनको ऐसा बैठे बैठे कुछ खाने का मन करे पर उनको पॉपकॉर्न ना खाना हो, तो पॉपकॉर्न के बदले का ये ऑप्शन है. सो मखाने बनावा માટે મે થોડું તેલ લઈ લીધું છે, ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. તમે ઘીમાં પણ બનાવી શકો છો. અને હવે આપણે એમાં એડ કરીએ મીઠું. તેલ ગરમ થઈ ગયું, મીઠું પણ અંદર મસ્ત થઈ ગયું છે. આ રીતના એક મખાન આવે છે. હવે આપણે એમાં ધીરે ધીરે થોડા એડ કરતા જઈએ. આ રીતે હલાવીને જે નમક મીઠું જે છે એ અંદર પરત ચડાવવા, મતલબ કે તેલ આરે બધાને મિક્સ કરી દે. એક જીતના આપણે મમરા વગારીએ ને બસ એ જીતના હોય, ખાલી મખાને જે ત્યારે જ દેખાડે. આ રીતના એટલા સોફ્ટ હોય ને, આ રીતના દબાઈ પંચી પંચી હોય ને, એને હાર્ડ થવા દેવાના છે આપણે. સો થોડી વાર રહીને મખાન આવી રીતના થઈ ગયા છે, મતલબ હાર્ડ. હજી થોડાક હજી વધારે હાર્ડ થવા દે, કારણ કે હજી દબાઈ છે. બસ પહેલાં જે સ્પંજી જે હતા ને, જો આ હજી વ્યવસ્થિત નથી પાક્યું. બસ તો જે રીતના આ હાર્ડ થઈ ગયું છે, તો બસ મખાન આ રીતના આમ જ હોય છે. બધાને એકદમ જે સોફ્ટ હોય છે એને જગ્યાએ હાર્ડ કરી દેવાના.
હાડ થઈ જવા જોઈએ ત્યાં સુધી એને હલાવતા રહેવાના અને પકાવતા રહેવાના. સો 3-4 મિનિટ ને આ રીતના જો આ રીતના કડક 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 વાળો અવાજ આવવા માંડશે. ફૂટવા માંડવા જોઈએ આપણે જેમને ક્રંચી ક્રંચી હોય ને તો બસ આપણે મખાના તૈયાર થઈ ગયા. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So by the way, अभी हीना जा रही है डॉक्टर के पास. उसको जबड़ा बबड़ा कुछ दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, जबड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या दर्द हो रहा है. 10 दिन से मेरा दिमाग चाट रही है. सो फाइनली आज उसने डिसाइड किया है कि वो डॉक्टर के पास जाएगी. सो अभी हैंड ओवर करते हैं हम हीना को. और अत्यारे आवी छु राधेश्याम हॉस्पिटल रामंत्र मंदिर त्यां डेंटिस्ट संजय भाई छे त्यांने मळवानुं छे. સો નસીબ એટલા બધા ખરાબ છે કે જે અહીંયા ડોક્ટર જે છે અહીં ત્યાં મેમ આવી ગયા છે. હું આજથી 5 વર્ષ પહેલા આવી ત્યારે સંજયભાઈ હતા, હવે એ નથી અને એની જગ્યાએ કોઈ મેમ છે. પણ એ પણ રજા પર છે તો સોમવારે આવશે. અને એકચ્યુઅલી મને લગભગ વાવડીમાં જયારે ફંક્શન હતો તે દિવસનું દુખે છે, તો 1 વીક એને થઈ ગયું છે. તો વેઇટ નથી કરો, બીજા કોઈ પણ ડોક્ટરને આપણે મળીએ. સો અહીંયા રામંત્ર મતલબ કે પ્રયોશાની બાજુમાં જે કાવ્યા ડેન્ટલ કેર છે, મંજુલા છે બોજાણી કરીને, જે એમની પાસે કેસ લખાવ્યો છે. અત્યારે મને બેંકમાં થોડુંક કામ છે, હું બેંકે જાઉં છું. સો એ કામ પતાવીને આવી જશે તો અહીંયા સુધી વારો આઈ થિંક સો આવી જશે. એટલે તો આપણે એ કામ પતાવીએ ત્યાં ડોક્ટર બી ફ્રી થઈ જશે. બીજા જેના જે કસ્ટમર કે જે કે દર્દી છે એની સારવાર કરશે ત્યાં હું ઓલું મારું કામ પતાવીને આવી જઈશ. સો બેંકનું કામ ડન, હવે ક્લિનિક પર. ક્લિનિક અહીંયા બાજુમાં જ છે. સો ફાઇનલી દાંતની જે ટ્રીટમેન્ટ હતી એ તો થઈ ગઈ. તો રાહુલનો ફોન આવ્યો કે નાસ્તો અત્યારે ક્યાં આવે. સુરેન્દ્રનગરના સમોસા અને અહીંયા મસ્ત મસ્ત ગરમ ગરમ સમોસા તળાઈ રહ્યા છે. યો વોટ્સ અપ ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ આર ચેનલ. આઈ હોપ કે આપ. सो गाइज अभी हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए. सोनू को मास्क इसके लगा रखा है क्योंकि घर पे आए हैं मेहमान, और सोनू महाराज मेहमानों को काटने के लिए सीमलेस है. सो अभी हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए. हमारे फार्म में कुछ कुछ चीजें लगाना, बीज वगैरह बाकी है, सो वो सब लेने के लिए. सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा व्लॉग में, आप लोगों को भी पता चलेगा कहाँ से खरीदते हैं वगैरह वगैरह. सो ये ऑल्सो शायद हम हमारा मंथली ग्रॉसरीज का शॉपिंग करने भी जाएंगे. तो हमारे बंदी भी रेडी हो चुकी है और आप पीछे टाइम देख सकते हैं 5:30 होने आए हैं. इन मैडम को हमने टाइम दिया था 3 बजे का, और 3 बज के लड़की जब रेडी होने रखे तो इतना तो अभी बोल रही है कि मैं तैयार तो नॉर्मली हुई हूँ. तो सही बात है, अगर अच्छा तैयार होती तो रात को ही निकलते फिर हम. ऐसा है ये वाला पार्थिव एग्रो है जहाँ पर सीड्स वगैरह मिलते हैं वहाँ लेने के लिए. ठीक है, ये गंगा जलिया तालाब की गंगा डेयरी है, उसके सामने ये गंगा डेयरी के सामने एग्जैक्टली अगर आप आएंगे तो आपको मिल जाएगी ये पार्थिव एग्रो. यहाँ पर आपको सारा फल फ्रूट वगैरह सबका बीज मिल जाएगा. अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं. आपको सब कुछ मिल जाएगा. ये देखिए, जो बीज हमें कहीं नहीं मिल रहे थे वो सारे बीज यहाँ पर है. बराबर, ये देखिए मेथी, धनिया, पालक, गाजर, भिंडी, हाँ यहाँ पर गाजर का भी है. हाँ वो सॉरी वो मूली है, गाजर, फिर बीट रूट, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा. आपको भावनगर में ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है. चलिए ये व्यू एक बार लास्ट देख लीजिए, कितना मस्त व्यू है. अब चलते हैं, हमारा काम हो गया. बहुत दिनों से हम ढूंढ रहे थे, फाइनली मिल गया हमको. और आप लोगों के लिए भी हमने बता दिया है, होलसेल मार्केट है यहाँ पर. हराजी लगती है सुबह सुबह, हराजी लगती है. जो भी आपके भावनगर में सब्जी बेचने वाले आते हैं मोस्टली सब यहीं से लेके जाते हैं. मुझे पर येलो ज्यादा अच्छा लगा. इसमें पिंक येलो दोनों, येलो ये वो, ये वाला येलो ले लो ना अपने लिए. और देखते हैं उनकी तरह के सब ग्रो वाला हो. अपने भी अच्छा है, ग्रो क्या है, बढ़िया है क्या यार. अपने किस में लगाने पता है, वो साइड वाला जो लटकता हुआ. गेट इट, गेट इट फॉर यू. ये वाला मेरी वाड़ी को. तो कौन सा वाला लेना है अपने को, वो वाला पिंक वाला ले रहे हैं, पर्पल वाला. हाँ. ये देखो ये वाला भी कोई सा छोटा छोटा सा, कौन सा है ये कौन सा भी है, ये वाला जो इधर है, ये वाला. हाँ इसके इधर 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 साइड साइड एकदम आगे, ये लाल लाल जो आपके. हाँ बस वो क्या है,
क्या है? वो कैसा उगता है? बड़ा होता है बहुत? अरे वाड़ी इतने, अरे इतने इतने हो जाते हैं। क्या बात कर, वाड़ी ना वाइड ऊपर ना खाए। तो क्या करना है, ये लेना है, ये वाला छोटा वाला, वो जो बोल रहे भैया वो अच्छा ही है, ले लो ना। कितने का है प्राइस कुछ ले लो। ऐसा है क्या? तो ये अच्छे से ढंग से ग्रो करते, मॉनसून सबसे बेस्ट सीजन रहता है गुलाब। तो रहने दो अभी के लिए, कोई भी नहीं रहते, रहने दो अभी। ये ले लो। हाँ ले लो, चलो अच्छा वाला डाल लो ना, वहाँ से अच्छा वाला उठाओ ना। हम आए थे नर्सरी, बाय द वे ये वाला जो फाइकस है ना, ये हमारे घर पे भी है बट अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है। ये अच्छा खासा ग्रो हुआ हुआ है, बड़ा हो चुका है बेबी, कितना बड़ा है। माय गॉड लुक एट दिस बेबी स्नेल, कितना प्यारा सा है। हम नागालैंड में रहते थे ना, वहां पर इतने बड़े बड़े होते थे भैया ये। चलो अत्यारे अमे एक स्नेल घरे लेने आवे छे, एने पाळवानी ट्राई करे छे, राहुल एना माटे एनु घर तैयार करे छे। बाबू नहीं बाबू, तू गिर जाएगा। राहुल एना माटे एनु घर तैयार करे छे। ए ए देखो देखो, उस साइड रखो, उस साइड रखो। तो सबसे पहले हमने ये एक वो ले लिया है। अब हमको पता नहीं है स्नेल स्नेल को कैसे पालते हैं, बट हम एक जुगाड़ लगा रहे हैं। वो जुगाड़ ये है कि स्नेल कटली ओली छे, एक जे पत्तू आवे ने अपने जे पेज, इन्हें एक एज ऊपर आले। हम इसमें थोड़ा सा मिट्टी ले रहे हैं, ठीक है। अब स्नेल को भेज बहुत पसंद होता है, जहां तक मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे, वो पत्थर एक रेंदो बड़ा वाला, कोको पीट डाल दिया है थोड़ा सा हमने, ठीक है। अब इसको अच्छे से अंदर फैला देंगे। ना ना ना, पत्थर लाओ, वो वाला अंदर डाल दिया। ये एक पत्थर डेकोरेशन के लिए। रुको 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 रुको, अब उसको उसके घर में छोड़ ही दो। अपने हिसाब से जाएगा। सो फाइनली स्नेल इना घर में जाए छे। रेंदो रेंदो रेंदो, पेपर कुछ पेपर से दूर हो जाएगा, फिर लेना पेपर।